भवन निर्माण श्रमिकों ने राज्य सरकार से योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग। वर्ष 2017 के बाद से शुभ शक्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा श्रमिकों को। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर भवन निर्माण यूनियन के बैनर तले आज भवन निर्माण श्रमिकों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर राजस्थान भवन निर्माण श्रमिकों को सरकार की घोषित योजनाओं का लाभ दिलवाने की मांग की है। भवन निर्माण यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार गौरा ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा भवन निर्माण श्रमिकों की बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के उद्देश्य से शुभ शक्ति योजना चलाई गई थी, लेकिन वर्ष 2017 से इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। हालत यह है कि आज दिनांक तक अजमेर श्रम विभाग में 4000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं, पर सहायता राशि नहीं मिल पा रही और इससे पूर्व के आवेदनों की भी सहायता राशि अभी तक नहीं दी गई है। वहीं श्रमिकों ने मांग की है कि विधवा महिला श्रमिक को 2000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाए, 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के श्रमिकों को समस्त योजनाओं का लाभ दिया जाए या 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए, सहित 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में ज्ञापन में आया था, क्या मांगे आपने? हम आज यहाँ पर जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें एक शुभ शक्ति योजना के नाम से भी एक योजना है। इसके अंतर्गत 2017 से इस योजना को अघोषित, मतलब कोई समय नहीं है, बंद कर रखा है। इसे कोई समय नहीं है, साल भर लगे, 5 साल लगे, तो हम ये चाहते हैं या तो इसके निश्चित समय तक बंद करना, तो निश्चित समय बता दें ताकि ये मजदूर वर्ग परेशान ना हो, इस योजना में आवेदन करना बंद कर दें। या तो आवेदन तो जमा हो रहे हैं, लेकिन 2017 के बाद लाभ किसी को नहीं दिया गया। एक मांग तो हमारी है, दूसरी मांग हमारी ये रही है कि जो मजदूर है 60 साल की उम्र हो चुकी है और अगर आज भी वो मजदूरी कर रहे हैं, कारीगरी, बेलदार या निर्माण श्रमिक के रूप में अगर काम करता है, तो सरकार के द्वारा उसको एक निर्माण श्रमिक मानकर सरकारी योजना का सभी लाभ दिया जाए। और तीसरी ये हमारी मांग ये रही है कि जो भी महिला श्रमिक है, अगर वो विधवा हो जाती है, तो इसकी कम से कम मासिक पेंशन 2000 रुपये मासिक पेंशन श्रम विभाग के द्वारा दी जानी चाहिए। इस मांगों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।